पहाड़ों की गहराई में बसे एक उजाड़ गांव में हवाओं के माध्यम से एक किंवदंती फुसफुसाई। ग्रामीणों को चुड़ैल नामक दुष्ट आत्मा से डर लगता था, जो रात में घूमकर निर्दोषों को अपना शिकार बनाती थी। उन्होंने उसे लंबे लहराते बालों और भयावह चमक वाली आंखों वाली एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली महिला के रूप में वर्णित किया। एक चांदनी रात में आयशा नाम की एक बहादुर युवा लड़की जिज्ञासा से प्रेरित होकर जंगल में चली गई। उससे अनभिज्ञ होकर वह चुड़ैल के साथ रास्ते में आ गई। आयशा के शुद्ध हृदय को महसूस करते हुए चुड़ैल उसके सामने आ गया, लेकिन आतंक के बजाय आयशा को अकेली आत्मा के प्रति सहानुभूति महसूस हुई। आयशा को चुड़ैल की दुखद कहानी के बारे में पता चला, विश्वासघात और एक अभिशाप की कहानी जिसने उसे अनंत काल तक भटकने के लिए बाध्य किया। करुणा से द्रवित होकर आयशा ने श्राप तोड़ने की कसम खाई। अपने अटूट दृढ़ संकल्प के माध्यम से उसने श्राप को हटाने के लिए आवश्यक रहस्यमय जड़ी बूटियां एकत्र कीं। एक तूफानी रात में आयशा ने चुड़ैल का सामना किया। कांपते हाथों से उसने प्राचीन मंत्रों का पाठ करते हुए अनुष्ठान किया। एक तेज रोशनी ने चुड़ैल को घेर लिया और उसका द्वेष खत्म हो गया और अपने ही दर्द में फंसी एक महिला को प्रकट किया। अब मुक्त हो चुके चुड़ैल ने आयशा को धन्यवाद दिया। उसकी आंखें कृतज्ञता से चमक उठी। बदले में उसने आयशा को एक उपहार दिया, एक चमकता हुआ पेंडेंट जिसमें आत्मा का सार था। आयशा हमेशा चुड़ैल का एक टुकड़ा अपने अंदर रखेगी, जो करुणा और क्षमा की शक्ति की याद दिलाती है। उस दिन से आयशा आत्माओं की संरक्षक बन गई और अपने उपहार का उपयोग करके गांव को बुरी ताकतों से बचाया। चुड़ैल की कहानी फैल गई और उसे एक भयभीत इकाई से मुक्ति और आशा के प्रतीक में बदल दिया गया, और इसलिए उस उजाड़ गांव में चुड़ैल की किंवदंती हमेशा के लिए बदल गई, जिसने दुनिया को सिखाया कि सबसे अंधकारमय आत्माएं भी करुणा की रोशनी में सांत्वना पा सकती हैं। हमारे चैनल चंचल प्री टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू टू ऑल माई फ्रेंड्स।